ये राज्य सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अर्बन डेवलपमेंट का इंजीनियर इन चीफ हूँ और ये पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ हूँ। हम लोग ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बिल्डिंग का कोलैप्स कैसे हुआ, बिल्डिंग की कंडीशन कैसी थी, तो बस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज से के 5 दिन बाद हो गए हैं, कौन सा विभाग आपको लगता है कि कोई जिम्मेदार, कोई तो कमेटी ने तय किया होगा, क्योंकि जो मालिक है वो खुद अंदर जेल में है, लेकिन उसको 5 दिन बाद आए सर। ऐसा है, हम अपना एक विशेष काम करने आए हैं। इस पूरी घटना के बारे में हम ज्यादा कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते, हम लोग टेक्निकल वर्क करने आए हैं। सर किस तरह का टेक्निकल वर्क यहाँ पे, आप क्या सैंपलिंग हो रही है? हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जमीन के अंदर की क्या पोजीशन है, बाहर की पोजीशन क्या है, बिल्डिंग कैसे गिरी, क्यों गिरी। प्रारंभिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते मैडम, इंजीनियरिंग का काम है, जब तक टेस्टिंग होके हमारे पास नहीं आएगी, हमने सैंपल्स लिए हैं और जब तक टेस्टिंग होके नहीं आएगी, जब तक हम कुछ कंक्लूजन अभी नहीं कह सकते। कितना वक्त इसमें लग सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम? इस इन्वेस्टिगेशन में हमको एक आध हफ्ते का समय लगेगा। देखिए, बिल्डिंग्स इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं कि उसके बारे में कोई चीज अभी एकदम कहीं नहीं जा सकती। ये तो दिख रहा है कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, सीधी सीधी कोलैप्स हुई है, इतना समझ में आ रहा है। बीम और कॉलम यहाँ नहीं थे, क्योंकि जो छत बनी हुई थी वो स्टील के जॉइस्ट के ऊपर बनी थी, उसके ऊपर फर्शी थी, और ये कॉलम बीम का स्ट्रक्चर नहीं था, ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था जिसमें 14 इंच और 9 इंच की दीवारें थी, चूने की चुनाई थी। बहुत सी कंडीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो वो हम लोग इन्वेस्टिगेट करके ही अपनी बात कुछ बता पाएंगे, हम इनिशियल भी कुछ नहीं कह पा रहे। जो सैंपल आपने लिए उसकी जांच भोपाल में होगी या कहीं और होगी? प्रॉपर पीडब्ल्यूडी की लेबोरेटरीज में होगी और क्वालिफाइड लोग करेंगे। सर आपका और नाम और पद बता दें। मेरा नाम प्रभाकांत कटारे, इंजीनियर इन चीफ अर्बन। हाँ, उसको गिरफ्तारी हो गई है और 2 दिन के रिमांड पर है, अभी पूछताछ चल रही है इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। क्या केस में कुछ धाराएं बढ़ाने कम करने इसको लेकर भी कुछ कर दिया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो कार्रवाई करेंगे। पारवानी के बयान के आधार पर कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है?
नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस भैया चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी परिस्थितियाँ होंगी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो होगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। सभी जो भी इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता है। तो क्या है इनका नाम, क्या है कुछ अधिकारी वगैरह? नहीं मालूम उसको। क्या है इनका नाम, क्या है कुछ अधिकारी वगैरह? नहीं मालूम उसको। भाई लोग तो कल इसी निकाल ले। इस पूरे मामले में एक तकनीकी कमेटी ने आज दौरा भी किया है और उसमें मुख्य तौर पर फोकस इस बात का है कि बिल्डिंग किसकी लापरवाही से गिरी। प्रथम दृष्टया जो आरोपी है उसकी भूमिका इसलिए स्पष्ट है कि बार बार आसपास के लोगों के द्वारा, मैनेजर के द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद और पूर्व में ऐसी कई घटनाओं के होने के बावजूद जिससे स्पष्ट था कि यह बिल्डिंग काफी कमजोर हो चुकी है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया और अंततः उस बिल्डिंग का गिरना इतने लोगों की जान लेने का कारण बनी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोग, दो तीन लोग हैं जो नीचे उसमें किराए पर रहते थे, उसमें उनकी क्या भूमिका थी, उनकी क्या कोई लापरवाही थी, उसमें बिल्डिंग को रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी, उसमें बिल्डिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन से कारण थे, वहां पे कुछ तोड़फोड़ किया जाना या कुछ उसके नींव में पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में कुछ नाले और पानी का वहां पे बड़ी संख्या में रिसाव भी पाया गया है। भले ही ये कुछ तकनीकी गलतियां हो लेकिन इन गलतियों ने चूंकि लोगों की जान ली इसलिए पुलिस उस तह तक जाकर के कि आखिर कौन कौन सी वजह है और उनके आने के बाद अगर इनकी जिम्मेदारी पाई जाती है, जो लोग वहां पे नीचे कुछ होटल्स में या कुछ दुकानों में रह रहे थे या दुकानों के ओनर से, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक तौर पर से चार लोगों का है, चार दुकानें हैं, उसमें ओनर तीन है, चार है या उससे कम है, उसकी पुलिस उसमें रिकॉर्ड उन्होंने नगर निगम से मांगा है और उसके आधार पर उनकी भूमिका स्पष्ट होते ही उनके भी विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। शंकर ने आईडी प्रूफ वगैरह देने की बात की, कुछ अनुमतियां वगैरह से वो बोला था कि उसके पास, उसमें नगर निगम से जानकारी मांगी गई है। इनका कहना है कि अनुमति ली है, लेकिन अगर कोई अनुमति ले भी तो यह बात स्पष्ट है कि बिल्डिंग जब जीर्ण शीर्ण हो चुकी हो और बार बार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, मुख्यतः मैनेजर और अन्य लोगों के द्वारा इस बिंदु को ध्यान में लाया जा रहा है कि वो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है और उसका मरम्मत अनिवार्य है, व्यक्ति के द्वारा इस तरह के उपेक्षापूर्ण कृत्य करना एक गंभीर अपराध है और इसके तहत उसको कार्रवाई भी की गई है। अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट होते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर हम इसको देखते हैं, जिस तरह के भी मामले होते हैं, हम रानी दुआ की बात करें, पटाखा जो बोला सब पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी को इसमें कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि मुख्य देखा है तो उनका कहना है। यह जो मुख्य तौर पर एक व्यक्ति के द्वारा जो लापरवाही की गई, जो प्राथमिक जो उसमें संकेत आ रहे थे बिल्डिंग के कमजोर होने के, उस पर ध्यान नहीं दिया गया,
जिसके कारण घटना घटी और इसमें जांचें हो रही हैं। इसमें चूंकि कई स्तर पे जांचें हैं, इसमें भोपाल स्तर पे भी एक जांच है, उसमें मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है, पुलिस की जांच भी चल रही है, नगर निगम की भी जांच चल रही है। इन जांचों में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, इसमें जुड़ा हुआ एक और सवाल यह है कि क्या छोटी ग्वाल टोली थाना प्रभारी पर भी कुछ जांच की जा रही है, क्योंकि सर अवैध गतिविधियां वहां पर संचालित होती थी, मृतकों की शिनाख्त काफी टाइम तक नहीं हो सकी थी, क्योंकि अवैध गतिविधियों समय तो उसमें कुछ दो चीजें इसमें मुख्य तौर पर है। एक तो उसमें चेक किया गया कि रजिस्टर्स और आई कार्ड पाए गए कि नहीं, तो वो चीजें पाई गई हैं, सूचना देनी प्रथम दृष्टया उसमें पाई गई है। लेकिन जहां तक गतिविधियों की बात है तो उसमें और जांच करा रहे हैं, हालांकि घटना के बिल्डिंग के गिरने से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी तरह की अवैध गतिविधि चलती है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। सर, इनसे उसमें कल कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था, आज भी सर कुछ